शहर है जिसे लिखा गया आंसुओं से मैं वो तहरीर, जिसे लिखा गया आंसुओं से मैं वो तहरीर, मैं दर्दी हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। कश्मीर के बूढ़े हमारे बुजुर्ग, कश्मीर के जवान हमारे अपने, कश्मीर के खवातीन हमारी इज्जत और कश्मीर के बच्चे हमारे अपने हैं। 1947 में पाकिस्तान ही आजाद नहीं हुआ था बल्कि इस दिन कश्मीर भी आजाद हो चुका था। तारीख के आईने में जाके तो मालूम होगा कि कयामत पाकिस्तान के फौरन बाद हिंदू महाराजा ने कश्मीर के मुकद्दर का फैसला अपना घटिया जमीन बेच कर किया और 70,000 के इवन एक जनरल जजीर को हिंदुस्तान की नीच हुकूमत को सौंप दिया, जिससे आज 75 साल गुजरने के बावजूद कश्मीरियों पर जुल्म सितम का मजाक गिर कर रखा है। रोजाना कई नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं, कई औरतों की आबरू रेजिल की जाती है, कई बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। कसूर यह है कि वो आजादी मांगते हैं, इस दुनिया में आने का मकसद मांगते हैं, अपने वजूद को आजाद देखना चाहते हैं। ए खुदा मेरे जिस्म से दिल को जुदा ना करना, ए खुदा मेरे जिस्म से दिल को जुदा ना करना, कश्मीर हमारा है काफिरों को अता ना करना। क्या आज हम कश्मीरियों को मुसलमान नहीं मानते? क्या उनके खून का रंग फर्क नहीं है? क्या वो भी हमारी तरह एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान पर ईमान नहीं रखते? अगर वो मुसलमान है तो फिर हम इससे गाफिल हैं। हमारी गैरत कहाँ खो गई है, हमारी जुरत कहाँ गुम हो चुकी है? आज हम अपने असलाम की गुमशुदा बहादुर को याद करते हुए एक मजबूत हिम्मत अमली बनाना होगी, जिस पर जज्बा जहाद को उजागर करते हुए कश्मीर को आजाद कराना होगा। आज भी अगर हमारे जज्बे सच्चे और नियत नेक हो जाए तो कश्मीर की आजादी एक मुसीबत हकीकत है। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार दे कतार भी। आप सबके सवालों का बेहद शुक्रिया।